आर्किटेक्ट में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए, संडे है आज और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हुए पोको से। पोको के जो इंडिया हेड है हिमांशु टंडन जी, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए बताया था कि पोको की जो 5 सीरीज है वो काफी बेहतरीन रही है भारत में। अब पोको की 6 सीरीज का इंतजार है और उसी टाइम पे हमने आपको बता दिया था कि शायद पहला स्मार्टफोन में पोको M6 Pro देखने को मिल सकता है भारत में। और ये जो बात है ना, वो काफी हद तक अब सही लग रही है क्योंकि पोको M6 Pro ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया के BIS सर्विसिंग वेबसाइट पर आ चुका है, यानी कि समझ लीजिए लॉन्चिंग जो है वो काफी ज्यादा नजदीक है। यानी हम जो आपसे बातें शेयर करते हैं ना, वो काफी हद तक सही निकलती है क्योंकि काफी सारे रिसर्च करने के बाद हम आपसे कोई बात शेयर करते हैं। इसलिए आपको बताते हैं कि भाई टेक न्यूज को पूरा देखा करिए क्योंकि टेक न्यूज में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होती है। तो इस बात पर तो जरूर से एक लाइक बनता ही है। रियलमी की बात करते हुए, रियलमी के नए स्मार्ट टीवी बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकते हैं भारत में क्योंकि रियलमी 4KG स्मार्ट टीवी ये जो पूरी सीरीज आएगी गूगल सपोर्टेड डिवाइस लिस्ट पर स्पॉट की जा चुकी है, यानी कि समझ लीजिए इसका जो लॉन्चिंग है ना वो काफी ज्यादा नजदीक है भारत में। अब देखते हैं रियलमी की ये जो नई स्मार्ट टीवी की पूरी लाइनअप आएगी जिसमें क्या कुछ स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है रियलमी की ओर से, इस बात का इंतजार है। ओप्पो की बात करते हुए, ओप्पो ने अपनी फाइनली ओप्पो रेनो 10 सीरीज को लॉन्च कर दिया है भारत में। आज हम बात करेंगे सिर्फ ओप्पो रेनो 10 स्मार्टफोन की। तो इसके लिए कुछ स्पेक्स के बारे में बात की जाए तो 6.74 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, काउड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही साथ इसमें हमें MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट की ताकत देखने को मिल जाती है। 64+32+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जबकि 32 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा, 5000mAh बैटरी, 67W पावर शेयरिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स। और यही स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन को विदाउट ऑफर्स में आप लेना चाहते हो तो कुछ 32,999 में आपको देखने को मिल जा रहा है और ऑफर्स के साथ इसमें आपको 3,000 का और डिस्काउंट देखने को मिल जाता है एडिशनल डिस्काउंट। अगर बात की जाए ओरियो की तो वो प्राइस काफी ज्यादा रखी है स्मार्टफोन की, विदाउट ऑफर्स तो काफी ज्यादा है और ऑफर के साथ भी बात की जाए तो भी काफी ज्यादा है। अगर ये जो स्मार्टफोन है वो मे भी शायद हमें 25 से लेकर 26,000 के बीच में देखने को मिल जाता तो एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता था। पर अभी की बात की जाए तो ये जो स्मार्टफोन इससे बेटर स्मार्टफोन है Realme 11 Pro Plus 5G, जरूर से इसे चेकआउट कर सकते हो। और ओवरऑल बेस्ट ऑप्शंस चाहते हो आप तो Motorola H40 की तरफ भी चेकआउट कर सकते हो। OnePlus की बात करते हुए, OnePlus 12R, जी हाँ सही सुन रहे हो आप, OnePlus 12R के जो रैंडर्स वो निकल कर बाहर आ चुके और जो स्पेक्स है वो भी थोड़े बहुत लेक हो चुके हैं। कहा जा रहा है OnePlus 12R ये जो स्मार्टफोन आएगा जिसमें हमें कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट की भयंकर ताकत देखने को मिल जाएगी। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है ये जो स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें 50+32+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, 5000mAh बैटरी, 100W पावर शेयरिंग सपोर्ट। अब ये जो स्मार्टफोन है वो मे भी हमें शायद नेक्स्ट ईयर फेब के बाद देखने को मिल सकता है क्योंकि फेब में तो कहा जा रहा है भारत में हमें OnePlus 12 देखने को मिलेगा। अब ये तो रूमर स्पेक्स थी, अब देखते हैं ये जो स्मार्टफोन है जिसकी क्या कुछ और डिटेल्स निकल कर सामने बाहर आती है, जैसे आएगी हम आपसे जरूर से शेयर करेंगे। सैमसंग की स्मार्ट रिंग आने वाली जिसके बारे में आपसे कल ही तो बात की थी, गैलेक्सी रिंग आएगी जिस पर अभी फिलहाल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अब ये जो स्मार्ट रिंग यानी गैलेक्सी रिंग वो कितनी जल्दी देखने को मिलेगी इस बात की अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर बोट लग रहा है इस बार बाजी मारेगा क्योंकि बोट ने तो लैंडिंग पेज भी दिखा दिया है जहां पर उनकी स्मार्ट रिंग आ रही है, कमिंग सून है, यानी समझ लीजिए इसका भी लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है। और वैसे तो काफी अच्छी बात है क्योंकि जो बोट की रिंग आएगी उसकी जो प्राइस होगी ना वो काफी कम होगी अगर कंपेयर करते हैं सैमसंग की गैलेक्सी रिंग से। तो अब देखते हैं बोट की ये जो रिंग आएगी जिसमें क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते और इसे कितनी ही जल्दी लॉन्च किया जाता है बोट की ओर से, इस बात का इंतजार है। ZTE की बात करते हुए, ZTE ने अपना एक नया स्मार्टफोन Nubia Z50S Pro को लॉन्च कर दिया है चाइना में, जी हाँ। और यही स्मार्टफोन के अगर उस स्पेक्स के बारे में बात करें
6.78 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट की ताकत देखने को मिल जाएगी। 50+50+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जबकि 16 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा, 5100 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट, IR ब्लास्टर, यानी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं यही स्मार्टफोन में। और ये जो स्मार्टफोन है जिसकी अगर कीमत की बात की जाए तो इसका जो बेस वेरिएंट है जिसको लॉन्च किया गया 3699 चीनी युआन में, यानी अप्रोक्स से पड़ जाएगा इंडियन करेंसी हिसाब से कुछ 43,000 रुपीस के आसपास। पर खैर बात ये है कि जो नोबिया Z50S प्रो स्मार्टफोन है वो शायद हमें भारत में देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये जो स्मार्टफोन है वो भारत में आ जाता है तो ये काफी अच्छी बात हो जाएगी। अगर ये स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया जाता है तो क्या आप इसे खरीदने के लिए सोचोगे, क्या सोचे इसके बारे में आपकी कमेंट में जरूर से बताइए। iQOO की बात करते हैं, भाई iQOO का एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकता है जिसका नाम है iQOO Z8। और ये जो स्मार्टफोन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये हमें एंड ऑफ द अगस्त में देखने को मिल जाएगा चाइना में, और उसके बाद में भी शायद ही हमें भारत में भी देखने को मिल सकता है। और ये स्मार्टफोन के अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात करें, थोड़े बहुत स्पेक्स निकल कर बाहर आ चुके, कहा जा रहा है 6.64 इंच के हमें IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं ये जो स्मार्टफोन है जिसके क्या कुछ और डिटेल्स निकल कर सामने आती है, जैसे ही आएगी हम आपसे जरूर से शेयर करेंगे। और ये जो स्मार्टफोन है जिसे कितनी ही जल्दी किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है iQOO की ओर से, इस बात का इंतजार है। एप्पल की बात करते हुए एप्पल की जो आईफोन 15 सीरीज की जो पूरी लाइनअप है जो कि कहा जा रहा है सितंबर में देखने को मिल जाएगी, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पर अब कहा जाए इसमें थोड़ा बहुत और डिले देखने को मिल सकता है क्योंकि एप्पल की जो आईफोन 15 प्रो सीरीज है जिसमें डिस्प्लेस में इश्यूज देखने को मिल रहा है ऐसा कहा जा रहा है, जिसके चलते हुए में भी शायद ये डिले हो सकता है। पर एप्पल की जो आईफोन 15 प्रो सीरीज आएगी जिसमें कहा जा रहा है इस बार एक्सट्रीमली थिन बेजल्स देखने को मिल जाएंगे, तो वाकई काफी अच्छी बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल की जो आईफोन 15 सीरीज का जो होस्टिंग इवेंट है वो माइट भी हमें सितंबर में देखने को मिल जाएगा, पर जो स्मार्टफोन्स की जो अवेलेबिलिटी है उसमें शायद हमें डिले देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं एप्पल की जो आईफोन 15 सीरीज है जिसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है एप्पल की ओर से, इस बात का इंतजार है। टेलीग्राम की बात करते हुए टेलीग्राम पर हमने आपको बहुत टाइम पहले एक फीचर बताया था जिसका नाम है टेलीग्राम स्टोरीज, और ये जो फीचर है उस टाइम पर बेटा मोड पे चल रहा था। अब ये जो फीचर है वो फाइनली टेलीग्राम ने रोल आउट करना शुरू कर दिया स्टेबल वर्जन सभी के लिए, जहां पर आप आपकी खुद की स्टोरीज रख सकते हो, अप टू 48 आवर्स तक ये स्टोरी चलेगी, और अगर आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हो स्टोरी तो वो भी आप कर पाओगे। तो ये वैसे तो काफी अच्छी बात है। आप हमें ये बताइए, आप अगर किसी के साथ बातचीत वगैरह करना चाहते हो, चैट करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप को ज्यादा प्रीफर करोगे फेसबुक मैसेंजर को या फिर टेलीग्राम को, किसको प्रीफर करोगे कमेंट में जरूर से बताइए। काम विरल की बात करते हैं, अगर आपको चाहिए टाइप सी केबल वो भी कम कीमत में, वो भी बेहतरीन ब्रांड का, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। अर्बन कंपनी की ओर से वाला अर्बन कंपनी का टाइप सी केबल फिलहाल बहुत ही बेहतरीन कीमत में भी आपको Amazon पर ही देखने को मिल जा रहा है। और यही टाइप सी केबल के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो 5 फीट की बड़ी सी लैन देखने को मिल जाती है, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, पूरी तरीके से नायलॉन ब्रेडेड रगेड केबल है, और ये जो केबल है जिसमें आपको 6 मंथ की वारंटी भी देखने को मिल जाती है रिप्लेसमेंट वारंटी, और क्या चाहिए। और यही केबल की अगर कीमत की बात करें तो ये अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपए में, काफी बेहतरीन डील है। वैसे अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हुए COD मोबाइल जिसकी सीजन 7 आने वाली है बहुत ही जल्दी, उसके लीक्स निकल कर बाहर आ चुके, जहां पर XPR 50 ये जो गन है जिसकी आपको लेजेंडरी स्किन देखने को मिल जाएगी, पहली बार मिथिक स्किन्स देखने को मिलने वाले, शायद बहुत सारे इवेंट्स आने वाले, रिवॉर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे, यानी काफी बेहतरीन एक अपडेट देखने को मिलने वाली है इस बार। और ये जो सीजन है वो काफी अच्छी रहेगी ऐसा भी कहा जा रहा है। आप हमें ये बताइए आपने कभी भी COD मोबाइल गेम को खेला हुआ है, अगर खेला हुआ है तो कमेंट में बताइए। तो बस आज की रेटिंग सब खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप जरूर से नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।